हे दोस्तों, एक दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था और तभी वहां से एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर की फरारी गई। मेरा फ्रेंड वो कार देख के काफी एक्साइटेड हो गया और फिर उस कार की तारीफ पे तारीफ करने लगा। उसकी एक्साइटमेंट देख के मैंने उससे कहा, तू भी जरूर खरीदना एक ऐसी ही कार। ये सुनकर उसका पूरा जोश खत्म हो गया और उसने कहा, नहीं यार, मैं तो अपने औकात के हिसाब से ही सोचता हूँ। जो चीज कभी होने नहीं वाली वो सोच के टाइम क्यों वेस्ट करना। तब मुझे उसके साथ बहुत सी बातें शेयर करने और समझाने दिल करी जो मैंने मेंटर्स और बुक से सीखी थी, लेकिन मुझे पता था वो सही टाइम नहीं है, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। पर आज मैं आप लोगों को वो प्रिंसिपल्स डेफिनेटली बताना चाहता हूँ। नंबर 1, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। हमेशा बड़ा सोचो, तभी आपके साथ रियल में कुछ बड़ा होगा। मुझे 100% यकीन है, अगर मेरा वो फ्रेंड अपनी उसी मेंटालिटी के साथ अपनी लाइफ बिताएगा तो वो श्योरली कभी फरारी नहीं खरीद पाएगा। बिकॉज फैक्ट की बात यह है कि लाइफ आपको उतनी ही चीजें देगी जितनी आप उसे मांगने की हिम्मत रखते हो। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि मुझे एक ठीक ठाक जॉब मिल जाए, फिर एक ठीक ठाक घर और गाड़ी खरीद लूँ और फिर एक ठीक ठाक जिंदगी बिताऊ, तो लाइफ आपको ज्यादा से ज्यादा एक ठीक ठाक जिंदगी ही देगी, या यूजुअली उससे भी कम। मेरे फ्रेंड की तरह हम भी जाने अनजाने में अपने दिमाग और अपनी कैपेबिलिटीज को एक लेवल दे देते हैं और बैरियर्स बना देते हैं जिसके आगे हमें सोचना भी सही नहीं लगता। जैसे कि ये घर हमारी हैसियत के बाहर है, ये चीजें तो हम सपने में भी नहीं खरीद सकते, मैं ये सब कभी अचीव कर ही नहीं पाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब हम ऐसे बैरियर्स डाल देते हैं हमारी सोच पे, तो रियल में भी फिर वैसा ही होता है और हम कभी उस बैरियर को क्रॉस करके कुछ अचीव नहीं कर पाते। पर सच तो यह है कि इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है, जिसके सामने बस एक फरारी खरीदना ट्रस्ट में कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड ने जब अपनी बड़ी सोच के साथ ये डिसीजन लिया कि वो एक ऐसी गाड़ी बनाएंगे जिसके चलने के लिए घोड़ों की जरूरत नहीं होगी, तो सब इस सोच को बकवास और इम्पॉसिबल बोलते थे। पर उन्हें पता था चीजें इम्पॉसिबल तभी होती है अगर आप उसे इम्पॉसिबल मान लो तो, इसीलिए उन्होंने लोगों की बातें इग्नोर करके उस इम्पॉसिबल सी चीज को पॉसिबल करके दिखाया। इसके बाद फिर से सभी छोटी सोच वाले लोगों ने उनसे कहा कि ये बन तो गया है पर इसे कोई यूज नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत रिस्की है, ये है वो है। उन्होंने फिर उन पे ध्यान नहीं दिया और एट दी एंड ऐसा चेंज लाया दुनिया में कि लोगों ने घोड़े से चलने वाली गाड़ी यूज करना ही बंद कर दी ट्रैवलिंग के लिए। एक कोट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, नॉर्मन विंसेंट का, शूट फॉर द मून एंड इवन इफ यू मिस यू विल रीच द स्टार्स। बड़ा सोचो और उसे सच बनाने के लिए एक्शंस लो। शायद आप जैसा चाहते हो एग्जैक्टली सब कुछ वैसा ना हो, लेकिन यकीन करो आप अपनी उस बड़ी सोच के साथ कुछ ना कुछ बड़ा जरूर अचीव कर लोगे। बिकॉज बड़ा सोच के ही लोग बड़े बन पाते हैं और छोटा सोचने वाले हमेशा छोटे रह जाते हैं। नंबर 2, रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल रिसेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने किसी अमीर इंसान की बात की हो और लोगों ने आपको ये कहा हो कि अरे ये सब लालची लोग हैं जो 2 नंबर का काम करके आगे बढ़ते हैं। आपका तो पता नहीं, मैंने ऐसी बातें बहुत बार सुनी है और यूजुअली उनके मुंह से जो गरीब है और खुद दिन में 100 गलत काम करते हैं पैसों के लिए। पुअर मेंटेलिटी वाले लोगों को लगता है कि हर अमीर इंसान कुछ गलत करके ही आगे बढ़ता है, जो कि सच नहीं है। पर वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन्हें पसंद नहीं करते और उन्हें नीचे गिराने की सोचते हैं। जबकि अमीर मेंटालिटी वाले लोग सक्सेसफुल लोगों से इंस्पायर होते हैं, उन्हें और ऊपर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो उनसे जलने के बजाय उनसे सीखते हैं और फिर खुद भी और सक्सेसफुल बनते हैं। नंबर 3, रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो रिच को पुअर से अलग करता है। हम सब एक ना एक ऐसे इंसान को जानते ही हैं जिसे लगता है उसे दुनिया की हर चीज पता है। आप उससे कुछ पूछो या ना पूछो, वो आपको फुल कॉन्फिडेंस में पॉलिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन और ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स की बातें ऐसे बताएगा जैसे उसने उन सब फील्ड में PhD करके सालों उनमें काम किया हो। और अगर गलती से आप उसे कुछ अच्छा समझाना चाहोगे तो वो हमेशा आपको बोलेगा, मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है सब कुछ। ये और कुछ नहीं, बस एक पुअर मेंटालिटी की पहचान है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, द मोर आई लर्न द मोर आई रियलाइज हाउ मच आई डोंट नो। मतलब मैं जितना ज्यादा चीजों के बारे में सीखता हूं उतना मुझे समझ आता है कि मुझे कितना कुछ नहीं पता उन्हीं चीजों के बारे में। ये वो इंसान कह रहा है जिसकी स्मार्टनेस की दुनिया आज भी तारीफ करती है। और हम यहाँ थोड़ी बहुत न्यूज देख के, पेपर्स या बुक पढ़ के ये सोचते हैं कि हमें सब पता है और अगर दुनिया हमारे हिसाब से चलने लगेगी तो कुछ बुरा होगा ही नहीं कभी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि दुनिया में सब कुछ सही या सब कुछ गलत हो रहा है, पर बात यह है कि चीजें हमें जितनी सिंपल लगती है एक्चुअल में उतनी सिंपल होती नहीं। सो आप ये मत अज्यूम करो कि आपको सब कुछ पता है। रिच लोगों की एक आदत होती है कि वो कितना भी सीख ले या पढ़ ले, वो और सीखने से पीछे नहीं हटते।
कि कहीं उन्हें कुछ ऐसी काम की बात ना पता चल जाए जो उन्हें अभी तक नहीं पता। वॉरेन बफेट, जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक है, वो दिन में 8 घंटे बुक्स पढ़ते हैं, नियरली 600 पेजेस से 1000 पेजेस तक। बिल गेट्स एटलीस्ट 50 बुक हर साल पढ़ते हैं, और ऐसे ही मार्क क्यूबन, इलॉन मस्क और सारे बड़े सीईओज बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और नॉलेज लेते ही रहते हैं। ये लोग दुनिया के कुछ सबसे समझदार और अमीर इंसान हैं, पर फिर भी इनका एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, मुझे क्या जरूरत है सीखने की किसी से भी, बल्कि ये आज भी उतने ही ओपन माइंड से सीखते हैं जितना पहले सीखते थे। और यही रीजन है कि ये दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक बन गए हैं। आपको भी सक्सेसफुल बनना है और खुश रहना है तो बुक्स पढ़ो, नॉलेज लो अलग अलग सोर्स और मेंटर्स से, और फिर सबसे मेन सीखने के बाद एक्शंस लो और उस नॉलेज का यूज करो। ये 3 प्रिंसिपल्स थे उन 17 प्रिंसिपल्स में से जो मैंने आपको द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड बुक से बताई है। अगर आपको बाकी बचे प्रिंसिपल्स सीखने हैं तो आप ये बुक खरीद सकते हो या फिर एक फ्री ऑडियो बुक ले सकते हो www.audibletrial.com/seeken से या नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके। audible.com एक Amazon कंपनी है जो आपको एक फ्री ऑडियो बुक देती है विथ 30 डेज ट्रायल, जिसमें आप ये फ्री ऑडियो बुक को किसी दूसरी ऑडियो बुक से रिप्लेस भी कर सकते हो बिना पैसे दिए। लाइक करें अगर आपको ये प्रिंसिपल काम के लगे, अपने व्यूज कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो और चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, इससे मुझे काफी हेल्प मिलेगी। सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसे काम के